नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर में। तो आज की ये हमारी विजिट है अद्दो माजरा विलेज में, जो कि अंबाला में है। उससे पहले मैं एक यहां पर अनाउंसमेंट कम इनविटेशन जरूर देना चाहूँगा कि सिंगवा खास जो विलेज है, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें काफ़ी अच्छा एक कंपटीशन है जो कि 23 और 24 तारीख को शेड्यूल्ड है। तो मैं डॉक्टर अशोक सर की और सिंगवा गांव की तरफ से आप सभी व्यूवर्स को इनवाइट करना चाहूँगा कि इतने अच्छे कॉम्पिटिशन में आके और वहाँ पर अच्छे नस्ल के जो मुर्रा और जितनी भी अच्छी बफलोज और गायें और बुल जो आएंगे, 12 कैटेगरीज में तकरीबन कंपटीशन है और हर कैटेगरी में प्राइज है, तो वहाँ पर आके आप कुछ वहाँ पर आएँ और अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के जाएँ। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं अद्दो माजरा, जो कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है और सर के फार्म पर हम विजिट कर रहे हैं। सर, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। सर, अवतार सिंह सर के डेयरी फार्म पर आज हम हैं और सर ने हमें इनवाइट किया था अपनी इतनी अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंसें दिखाने के लिए। तकरीबन 4 बफलोज इनके पास हैं, तो ये फर्स्ट नंबर की बफलो हम देख सकते हैं साफ। तो सर, कौन सी लैक्टेशन में है ये जो मुर्रा नस्ल की? तो तीसरे लैक्टेशन में है, तीसरे ब्यांत में ये हम मुर्रा नस्ल की भैंस, जो कि काफ़ी सुंदर गोल सींग में यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची कदकाठी, लेवटी शानदार है, थन बिल्कुल सटीक है। तो सर, अभी इसका दूध तीसरे ब्यांत की कितने दिन की ब्याई हुई है? सर, 14 दिन की ये ब्याई हुई है। इसका जो मेल काफ है सर, इस बार तो मेल काफ हम यहाँ पर देख सकते हैं। सर की यहाँ पर शिकायत जरूर है कि उन्होंने एक सीमन बैंक से सीमन लगवाया था, जिसकी वजह से इसका कलर आप देख सकते हैं, रेड कलर, ब्राउनिश कलर में ये कट्टा आया है। तो सर काफ़ी इससे नाराज़ हैं सीमन बैंक से कि इस तरह के कृपया करके सीमन ना बांटें, क्योंकि 10 महीने की पूरी इनकी जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फिर जाता है। जबकि सर के यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ उम्दा मुर्रा नस्ल की भैंसें ही रखना पसंद करते हैं। तो अभी करंटली इनके पास 4 बफलोज हैं, तो ये फर्स्ट नंबर की बफलो देख सकते हैं, जो कि तकरीबन इसका 14 दिन की ब्याई हुई का सर कितना दूध है अभी? 18 लीटर प्लस मिल्क इसका है, ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। अभी हम इसका मिल्क रिकॉर्ड करेंगे। तो सर, ये जो दूसरी बफलो है ये काफ़ी अच्छा इसका अडर हम देख सकते हैं। तो ये कितनी बार की ब्याई हुई है सर? एक बार पहले बच जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट लैक्टेशन में है पहले सुए की ये बफलो मुर्रा नस्ल की सर के पास है। 16 प्लस, तो 16, और इन्होंने सर ने बताया कि पीक इसने 18 लीटर तक इस ब्यांत में तोला है। तो ये देख सकते हैं अभी कितने दिन की ब्याई हुई है सर? ये 3 महीने की ये इनकी बफलो ब्याई हुई है, और तकरीबन ये देख सकते हैं लेवटी काफ़ी शानदार लेवटी है, फर्स्ट ब्यांत की है ये जो बफलो है, फर्स्ट सुए की ये देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर मुर्रा नस्ल की बफलो। काफ़ी कम ऐसी भैंसें मिलती हैं। तकरीबन सर अभी भी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करते वक्त 16 से लेकर के 18 के बीच में ये बफलो मिल्क रिकॉर्ड करवा सकती है। और ये हम देख सकते हैं सर की जो नेक्स्ट बफलो है, तो सर ये किसकी बेटी है? 22 महीने की। तो सर ने बताया कि 22 महीने की ये कट्टी हम देख सकते हैं साफ, बहुत ही सुंदर इसका ब्यूटी में इसको मार्क्स जरूर मिलेंगे। छोटा रिंग में इसका सींग है और सर के ऊपर जो इसके हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल है। तो किसकी बेटी बताई सर आपने? ये युवराज की बेटी है। कितने महीने की है सर? 22 महीने की। और ये आगे की हो चुकी है सर, नए दूध हो चुकी है, तो ये ग्याबिन हो चुकी है, 6 महीने की ये ग्याबिन है, 22 महीने की है सर। तो ये यहाँ पर मैं डेयरी किसानों को बताना जरूर चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स को जरूर बताना चाहूँगा कि 22 महीने की, सर एक बार खड़ा कीजिए, 22 महीने की ये कट्टी जो कि 4 महीने बाद ब्याह जाएगी, मतलब 26 महीने में, तटी जो कट्टी सर ने बताई है इनके जो डेयरी फार्म पर, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मुर्रा नस्ल की ब्यूटी में इसको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये मुर्रा नस्ल की झोटी इनकी है, 22 महीने की, जो कि 6 महीने की ग्याबन है, 4 महीने बाद ये तकरीबन ब्याह जाएगी। तो ये देख सकते हैं 26 महीने, 2 साल 2 महीने में एक्सपेक्टेड है कि ये अपनी फर्स्ट डिलीवरी करेगी। ये देख सकते हैं ये एक और झोटी सर के पास है। सर, इसकी क्या एज है सर? 14 महीने की ये कटिया हम देख सकते हैं, सर ने काफ़ी अच्छी मेहनत इन पशुओं के ऊपर कर रखी है, तो 14 महीने की। तो सर, ये किसकी बेटी है?
हीरा बुल जो कि लक्ष्मी लक्ष्मी का बेटा है और लक्ष्मी जो कि सिंगवा खास से 25 लाख की जो भैंस सेल हुई थी उसकी बेटी सर के यहाँ पर डेयरी फार्म पर देख सकते हैं। कितने साल की बताई सर आपने? 14 महीने, मतलब एक साल दो महीने की ये कटिया है और एक बार हीट में आ चुकी है, जबकि सर ने इस हीट को इसका मिस करवाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, इसका गर्भधारण नहीं करवाया है, दूसरी हीट में इसको गर्भधारण करवाएंगे। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा बफलोज ना रखते हुए 4 बफलोज सर के डेयरी फार्म पर हैं। तो फर्स्ट नंबर की देख सकते हैं, सेकंड नंबर की जिसकी 18 लीटर तक मिल्किंग कैपेसिटी गई थी, और ये देख सकते हैं युवराज की बेटी और ये देख सकते हैं हीरा बुल की बेटी। तो ये 4 पशु हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खुला डेयरी फार्म है सर का। बाबू फादर साहब के भी फादर हम साफ देख सकते हैं वीडियो में, और ये एक और देख सकते हैं यहाँ पर साहिवाल जो कि घर के कंजम्पशन के लिए देसी गाय सर ने रखना पसंद की है। तो सर इसका मिल्क रिकॉर्ड करवाइए सर, इस वाली का स्टार्ट कीजिए सर। एक सेकंड